आचार्य विनोबा भावे की 127वीं जयंती के अवसर पर वर्तमान परिपेक्ष में विनोबा की प्रासंगिकता विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन जलकर भवन स्थित गांधी आश्रम खादी भंडार के परिसर में किया गया। इस मौके पर पूर्व महापौर सत्या पांडे, कार्यक्रम के आयोजक रमेश कुमार द्विवेदी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। परिचर्चा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आचार्य विनोबा भावे छात्र जीवन से ही गणित में काफी रुचि रखते थे। काफी कम उम्र में ही भगवद गीता के अध्ययन के बाद उनके अंदर अध्यात्म की ओर रुझान पैदा हुआ। वैसे विनोबा भावे मेधावी छात्र थे, लेकिन परंपरागत शिक्षा में उनको काफी आकर्षण नहीं दिखा। उन्होंने सामाजिक जीवन को त्याग कर हिमालय में जाकर संत बनने का फैसला लिया था। बाद में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने इस सिलसिले में देश के कोने कोने की यात्रा करनी शुरू कर दी। इस दौरान वह क्षेत्रीय भाषा सीखते जाते और साथ ही शास्त्रों एवं संस्कृत का ज्ञान भी हासिल करते रहते। उन्होंने राजाओं से भूमि लेकर गरीबों को देने का काम किया, जिससे कोई भी व्यक्ति भूमिहीन ना रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम के आयोजक राजेश कुमार द्विवेदी ने कहा, और आप अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाते हुए अपने एक मुकाम हासिल किया और लोगों को जागरूक करने में उनके वह कर्म ही हैं जो हमें हमेशा उद्वेलित भी करते हैं, मार्गदर्शित भी करते हैं, हमें कुछ करने की सोच रखने के लिए मजबूर भी करते हैं। आचार्य विनोबा भावे जी के इतने कार्य को उनका सबसे बड़ा योगदान जो था उनका भू आंदोलन, जो कि दान भूमि का दान करके और देश के हित में उन्होंने अंग्रेजों के शासनकाल में, सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी के एक जो भाषण हुआ था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, उस भाषण को जब अखबार में छपा कुछ अंश उन्होंने पढ़ा, वहीं से उनके जीवन का परिवर्तन हुआ। वो इंटर का इम्तहान देने वो जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही वो अपने उस पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान नहीं गया। वहीं से उन्होंने महात्मा गांधी जी से जुड़ने के लिए पत्राचार किया। पत्राचार के बाद उनके पास जब गांधी जी का उसका उनके पास वो आया पत्राचार का, उनके पास जब चिट्ठी आई, वहीं से वो मिलने के लिए, महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए वो आगे बढ़े। सभी को पता है कि बहुत पैसे वाले घर के नहीं थे, अमीर खानदान के नहीं थे, उनके पिताजी बुनकर थे। आचार्य विनोबा भावे की 127वीं जयंती के शुभ अवसर पर जलकल भवन गोलघर गांधी आश्रम में हम लोग एकत्रित हुए हैं, जहाँ पे आचार्य विनोबा भावे के जन्म के और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनकी क्या प्रासंगिकता है, भूदान के इतने बड़े 5 करोड़ से ऊपर भूदान के यज्ञ की यात्रा में जमीन लेते हुए आज के जो जमीन का झगड़ा समय समय पे चल रहा है, लोगों की बात हो रही है, इस पर और प्रासंगिक हो जाते हैं विनोबा जी, और नौजवानों को इससे सीख लेनी चाहिए। और हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी आज महापौर, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे जी और आज की अध्यक्षता कर रहे मकसूदन उपाध्याय जी और त्रिजुगी नारायण शाही जी और हम लोग के बीच के अधिवक्ता प्रवीण त्रिपाठी जी और संतोष पांडे जी, सभी लोग इकट्ठा रहे हैं, और महात्मा बुद्ध सेवा संस्थान के हल्का रानी जी भी उपस्थित रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आज का नौजवान विनोबा जी को पूर्ण रूप से पढ़े और समझे, और अध्यक्ष जी का भी यही कहना है कि उनको पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए भारत सरकार से बात किया जाए। यही बात है। जय जगत, जय हिंद।